हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड। बड़ों को नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या बात है निश्चल, आज तो सुबह सुबह 8 बजे उठ गया। ठीक है, सब्जी बना रहे हो? आलू टमाटर की सब्जी फिर से? यार तुम्हें आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद? मेरे को नहीं पसंद है। निश्चल क्या हो गया, तू नाराज क्यों है? गर्मी लग रही है? किसने बोला था तेरे को इतने बड़े बाल रखने के लिए? अब तेरे को नया हेयर स्टाइल करवानी है? अभी भी बोल रहा है नहीं मैं तो बड़े बाल रखूंगा, अब छोटे बाल रखेगा। ठीक है, आज फ्राइडे, संडे को चलेंगे। ठीक है, संडे को चलेंगे तेरे हेयर स्टाइल के लिए। आज चलू? हाँ यार, कुछ दिन पहले निश्चल बोल रहा था पापा मुझे ना अपने बाल थोड़े बड़े रखने हैं, और अब बोल रहा है पापा गर्मी लग रही है बड़े बालों में, मेरे को छोटे बाल रखना है। इतना नाराज मत हो, गर्मी लग रही है तो जाके नहा ले, ठीक है ना? कुछ बोल भी नहीं रहा है। हाँ दे निश्चल, जाके नहा ले बेटा, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। सालू ने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है निश्चल की फरमाइश पर। रायता भी मेरा बनके तैयार हो गया है, निश्चल को बहुत पसंद है रायता और सालू को भी, तो जीरा रायता मैं बनाता हूँ हर रोज ब्रेकफास्ट में। क्या बात है सालू, आज तो बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया। सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाई है तूने आज, आलू टमाटर की सब्जी निश्चल की फरमाइश पर है। निश्चल आलू टमाटर की सब्जी कैसी बनी, अच्छी बनी है? बढ़िया बनी है, निश्चल को बहुत पसंद है आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी तो बड़ी अच्छी बनाई है सालू आज, क्या बात है निश्चल की फरमाइश पर। आज मुझे भी अच्छी लगी आलू टमाटर की सब्जी, कसम से। निश्चल तू ये क्या कर रहा है? मम्मी कपड़ा धोएगी ना अभी, और जितने भी ये कपड़े थे वॉशिंग मशीन में तूने इसको निकाल दिया है, अभी मम्मी धोने जाएगी कपड़े को। ठीक है, पानी में भिगो देता है कपड़े को, फिर मम्मी धोएगी। है कोई बात नहीं बेटा, पानी कम आता है, ठीक है ना, मम्मी धो लेगी कपड़ा, तेरे को नहीं भिगाने की जरूरत है कपड़े को। अभी आ रहा है पानी, टंकी टंकी में आधी टंकी है पानी सिर्फ। ठीक है, निश्चल का दोस्त आया दिव्यांश लाला इससे मिलने के लिए, बोला निश्चल चल रहा है मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। मैंने इन दोनों को बोला बेटा अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है लाला, अभी नहीं जाना फुटबॉल खेलने। ठीक है निश्चल, हाँ शाम को जाना खेलने के लिए। निश्चल को दिव्यांश बोल रहा है निश्चल मेरे पास ना चॉकलेट बिस्कुट है। तेरे पास कितने चॉकलेट बिस्कुट है? तीन है। निश्चल को भी दे दे एक बिस्कुट, तब मेरा बर्थडे आएगा तभी तो दूंगा। अच्छा जब तेरा बर्थडे आएगा तभी देगा निश्चल को बिस्कुट? इतने कपड़े क्यों धो रहे हो, कल धो लेते कपड़े, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लो फिर उसको ना एक साथ धो लो वॉशिंग मशीन में। ठीक है ना, हर रोज मत धोया करो कपड़े, देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। दोपहर के टाइम में कपड़े धो रहे हो, फिर सुखाओगे, फिर उसको अच्छे तरीके से रखोगे, तुम्हें कपड़े धोने बहुत अच्छे लगते हैं। दिव्यांश तेरे को ना नमक फुआड़े पसंद है? आज ना निश्चल की मम्मी ना नमक फुआड़े बनाने वाली है निश्चल के लिए, निश्चल को बहुत पसंद है नमक फुआड़े, तेरे को पसंद है? निश्चल पढ़ाई कर रहा है अभी, ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है। निश्चल तेरा रात में ट्यूशन का होमवर्क कम्प्लीट नहीं हुआ था? नहीं। आज तो तेरा ट्यूशन का टेस्ट नहीं है ना? कल है, सैटरडे को होता ना तेरा ट्यूशन का टेस्ट, आज तो फ्राइडे है। परसों छुट्टी है संडे को। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैंने आज सुबह सुबह ही नहा लिया था। निश्चल बोला पापा आज सुबह सुबह ही क्यों नहा लिया? मैंने बोला बेटा टंकी में पानी नहीं रहता है, फिर मम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आज सुबह में ही नहा लिया। निश्चल बोला सही है पापा, सुबह सुबह ही नहा लिया करो, ठंडा पानी भी आता सुबह सुबह। तेरा दोस्त चला गया तेरे से मिलके? अच्छा इसलिए घर चला गया हो। अच्छा तो आज तेरे लिए लंच में क्या बना रही है मम्मी, नमक फुआड़े? क्या बात है सालू, नमक फुआड़े बना रही है तू आज निश्चल के लिए? अभी बनाया था कुछ दिन पहले, कल ही खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, फिर से बना। वेज बिरयानी मेरे लिए? सही में सच बोल लिए सालू, वेज बिरयानी बना रही है मेरे लिए? जितनी फरमाइश चल रही है मेरा पसंद का बन रहा है तो पापा की पसंद का ही बनाओ। तो तुम बना लोगे तो क्या हो जाएगा, वेज बिरयानी बना दो मेरे लिए और उसके लिए बना दो,
नमक फुहारे और क्या है, तुम्हें तो ऐसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कपड़े धोने अच्छे लगते हैं, कसम से तेरी मम्मी ने यही चीज तो सिखाया है तेरे को, अच्छी चीज कपड़े धोना और खाना बनाना, कसम से। आज तो दोस्तों निश्चल के लिए बनने वाला है नमक फुहाड़े, क्योंकि सालू ने बोला है कि नमक फुहाड़े बनाऊंगी मैं निश्चल के लिए, तो मैंने बोला कि मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बना रही है। निश्चल ने बोला था मम्मी पापा के लिए ना वेज बिरयानी बना दो, तो बोली नहीं मैं आपके लिए वेज बिरयानी नहीं बनाऊंगी, मैं बस निश्चल के लिए नमक फुहाड़े बनाऊंगी, कसम से। सालू को खाना बनाना शुरू से ही बहुत पसंद है, वो बहुत खाना बनाती है, हमेशा निश्चल की फरमाइश पे कभी नमक फुहाड़े, कभी समोसे, कभी आम पन्ना, हर चीज बनाती रहती है घर में निश्चल के लिए। अरे मैया शाम को बना लेती नमक फुहाड़े, इतनी गर्मी में बना रही है, देख रही है कितनी गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं, ये कौन सी बात होती है, ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे लिए भी वेज बिरयानी बना दे, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा नमक फुहाड़े बनाने के लिए टाइम है तेरे पास और वेज बिरयानी बनाने के लिए टाइम नहीं है, हद है। तू तो बोल रही थी सुबह सुबह कि आज मैं निश्चल के लिए नमक फुहाड़े बनाऊंगी और आपके लिए वेज बिरयानी बनाऊंगी। अरे उसका कल नमक फुहाड़े खत्म हो गया, वो मेरे को बोल रहा था तब से ही कल से कि मेरे लिए और बना के रख देना, इसलिए बना। तो हम भी बोल रहे वेज बिरयानी बना दो, कितना टाइम लगेगा वेज बिरयानी बनाने में, आधे घंटे का टाइम लगेगा बस, और क्या। जब तुम्हें खाना बनाना इतना पसंद है, इतनी गर्मी में तुम इतना अच्छा नमक फुहाड़े बनाते हो, तो वेज बिरयानी भी बना दो हमारे लिए थोड़ा सा, बनाऊंगी। ये कौन सी बात होती है, अपने बेटे की फरमाइश पे तो तुम आलू टमाटर की सब्जी, भिंडी की, आम की सब्जी, नमक फुहाड़े, समोसे, हर चीज बनाते हो, कभी हमारी फरमाइश पे वेज बिरयानी बना दो। अब ये कौन सी बात होती है, रात के डिनर में मैं नहीं खाता वेज बिरयानी, ठीक है ना, मैं रोटी खाता हूँ रात के डिनर में, ठीक है ना, तुम्हें बनानी है तो अभी बनाओ वेज बिरयानी। संडे को चलियो मेरे साथ मार्केट, आज मत जा क्योंकि आज मम्मी तेरे लिए नमक फुहाड़े बना रही है, ठीक है। क्या बात है, तेरी फरमाइश पे ना नमक फुहाड़े बन रही है और ऊपर से बोल रहे नाचू, फिर नाच ले थोड़ा सा और क्या, ऐसे भी तेरे को डांस करना पसंद है। ट्यूशन भी जाना है 4 बजे, ठीक है मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू संडे को चलियो, ठीक है ना, मार्केट आज ही जाना पड़ेगा। मेरे को बोल रहा था पहले कि पापा मुझे बड़े बाल पसंद है, तो अब तेरे को छोटे बाल क्यों कटवाने हैं अपने, क्या है आप पे मेरे बाल होते, क्या प्रॉब्लम है मेरे बाल होते। तू ही तो बोल रहा था मैं बड़े बाल रखूंगा, मुझे छोटे बाल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पसंद है छोटे बाल। छोटे बाल कटवाएगा तू अब। हाँ। क्या बात है, नमक फुहाड़े बन रहे हैं कसम से, सच्ची में बहुत अच्छा नमक फुहाड़े बनाती है यार, तू ना वेज बिरयानी बना देती तो और अच्छा रहता है कसम से। अच्छा मेरे को ये बता, तू नमक फुहाड़े बनाना कहाँ से सीखी है, तेरी मम्मी ने जरूर सिखाए होंगे तेरे को नमक फुहाड़े बनाने, हैं? पता नहीं। क्यों तेरी मम्मी ने नहीं सिखाए तेरे को नमक फुहाड़े बनाने, तू तो बोल रही थी मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे नमक फुहाड़े बनाने, अब बोल तो दो कुछ। नहीं बताना है। अच्छा तेरी बहन ने सिखाए होंगे। अच्छा ये तो मैंने सिखाया तेरे को नमक फुहाड़े बनाने, अब आई सच्चाई, कसम से सच्चाई पता चल गई तेरी। मैंने बताया तेरे को पिछले साल ये रेसिपी नमक फुहाड़े बनाते कैसे हैं। मैंने तो पिछले 3-4 साल से बना रही हूँ, आपने कब सिखाया मुझे? तो तेरी मम्मी ने नहीं सिखाया ना, तेरी बहन ने सिखाया, तूने खुद कहाँ से सीखा? अच्छा मेरी मम्मी ने सिखाया होंगे जरूर। नहीं फिर मैंने खुद सीखे थे। चलो ठीक है किसी ने सिखाया, लेकिन तुम नमक फुहाड़े अच्छे बनाते हो, वेज बिरयानी भी बना लो। मेरा दोस्त मोहित बोल रहा था कि भाई चलते हैं कहीं पे घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो चलते हैं कहीं घूमने के लिए, लेकिन सालू बोली नहीं कहीं नहीं जाना है घूमने के लिए, अगर आप जाओगे घूमने के लिए तो हम भी जाएंगे आपके साथ घूमने के लिए। मैंने बोला चल ठीक है तुम भी चल लेना घूमने के लिए, तो अब दोनों बोल रहे हैं कि कहाँ चले घूमने के लिए। मैंने बोला तुम बता दो कहाँ चले घूमने के लिए, गर्मी इतनी हो रही है तुम ही बता दो। अब सोच रही है कि मैं हम कहाँ जाए घूमने के लिए, अब बोल रही मैं मायके जाऊंगी घूमने के लिए। मैंने बोला चल ठीक है तू मायके चले जा घूमने के लिए। इतना नाराज क्यों है निश्चल, क्या हो गया? बर्गर चाहिए। बर्गर चाहिए तेरे लिए मम्मी ना नमक फुहाड़े बना रही है, ठीक है ना, बर्गर चाहिए।
तो कहाँ से लेके आऊँ मैं बर्गर? धूप देख रहा है कितना हो रहा है, मैं नहीं जा रहा मार्केट अभी बर्गर लेने के लिए। आइसक्रीम ले आऊँ? बेटा गर्मी देख रहा है बाहर में कितनी धूप हो रही है। दस मिनट दे रहा है, दस मिनट में मैं लेके आ जाऊँ बर्गर आइसक्रीम। ठीक है मैं बर्गर आइसक्रीम ले आऊंगा, लेकिन मम्मी जो नमक फुहाड़े बना रही है ना वो नमक फुहाड़े तेरे को नहीं मिलेंगे। तू तो बर्गर आइसक्रीम खा लेगा, फिर बाद में बोलेगा कि मम्मी मुझे नमक फुहाड़े भी दो खाने के लिए। अरे ठीक है मैं खा रही हूँ बस, आप सो रहे ना, मैं तो सो जाऊंगा, मैं खा लूंगा आप सो रहे तो सारा किलो। आधा किलो नमक फुहाड़े खा जाएगा? क्या बात है। ठीक है दोस्तों, व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी, और जो इस चैनल पर नए आए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। ओके थैंक्स दोस्तों।